इसका क्या देखना पड़ रहा है। अब्बास बेटा बहुत राजा जी सबर करो। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और ब्रांड न्यू अपडेट बड़ी बड़ो में अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को अपने ग्रीन और फ्री फायर के आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले एंड मेरे भाई, अगर आप लोग आज किस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर ले दो ना, तो गाइस आप लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। हाँ मेरे भाई, आप लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग को अपने सर्वे के अंदर अपने क्रिमिनल इनक्यूबेटर कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा, जिससे कि काफी सारे ऑडियंस का डिमांड था अपने क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न को लेके। तो यहाँ पे ऑडियंस को खुश करने के लिए ग्रीन यहाँ पे क्रिमिनल इनक्यूबेटर को रिटर्न ला रहा है। काफी सारे बाहर के सर में क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न आ रहा है, तो गाइस मैं इंडस्ट्री में कब तक रिटर्न आएगा, क्या रिटर्न आएगा भी, या फिर उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी दूंगा कि आप लोगों को कौन से मंथ तक वेट करना पड़ेगा अपने क्रिमिनल इनक्यूबेटर के लिए, इसकी पॉसिबल डेट वगैरह क्या होने वाली अपनी इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी देने वाला हूँ। मैं आप सभी को अपडेट दूंगा। काफी सारे यहाँ पे बंदों का डिमांड था भाई अपने कैसे भी करके बुआडी लीजेंडरी बंडल रिटर्न, काफी सारे बंदों के पास नहीं है, तो बस अब आप लोग अपना बुआडी लीजेंडरी बंडल रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जैसे कि अभी फाइनल लिस्ट निकल के आ चुका है। काफी सारे बाहर के सर रिटर्न भी आ रहा है, इंडस्ट्री में कब रिटर्न आएगा, कौन सा मंथ में रिटर्न आएगा, इसकी पॉसिबल डेट वगैरह क्या हो सकती है, इस पर आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी देने वाला हूं। फिर के साथ जल्दी एक ब्रांड न्यू कोलैबोरेशन होने वाला है, उसी कोलैबोरेशन के दौरान आप लोग को एक बहुत ही खतरनाक वाला इमोट देखने को मिलेगा। कौन सा इमोट देखने को मिलेगा एंड उस इमोट को अगर आप लोग यूज करते हो तो गाइस आप लोगों का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है। ओ भाई ये क्या है। तो इमोट को लेकर मैं आप सभी को अपडेट दूंगा कि इमोट आप लोगों को कैसे मिल सकता है, आप लोगों को कौन से इवेंट में मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपने जुलाई मंथ के लेट पास को लेकर मेरे पास थोड़ा सा अपडेट वगैरह है, तो गाइस अपन जुलाई मंथ के लेट पास को लेकर मैं आप सभी को थोड़ा सा अपडेट एंड जानकारी वगैरह देने वाला हूं। मैं इंडस्ट्री के ऊपर आप लोग को नेक्स्ट इनक्यूबेटर कब तक देखने को मिल सकता है, कौन सा देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि काफी सारे लोगों का डिमांड रहता है अपने M1040 इनक्यूबेटर रिटर्न को लेकर, तो आप सभी को अपने इंडस्ट्री में M1040 इनक्यूबेटर कब तक देखने को मिलेगा, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा कि कब तक रिटर्न आएगा, कौन सा मंथ में रिटर्न आएगा, इसकी पॉसिबल डेट वगैरह क्या हो सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अपन बात करेंगे और भी छोटे मोटे अपडेट्स को लेकर, बात करेंगे 2 अपडेट को लेकर। आज 12 बजे के बाद आप सभी को अपने फ्री फायर में कौन सा न्यू इवेंट या फिर कौन सा न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, तो मेरे बैच की पूरी वीडियो सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तो हमेशा की तरह होने वाली है, प्लस आप सभी के लिए काफी ज्यादा अपडेट मिल रही है। जिसके बाद वीडियो को फटक से एक लाइक करना, मेरे साथ पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट करके रख लेना, इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे बात करना चाहेंगे अपने क्रिमिनल इनक्यूबेटर के रिटर्न को लेकर, जैसे कि काफी सारे बंदों एंड ऑडियंस वगैरह का डिमांड था कैसे भी करके अपने क्रिमिनल इनक्यूबेटर अपने इंडस्ट्री में रिटर्न आ जाए। जैसे कि आप सभी को पता है क्रिमिनल इनक्यूबेटर अपने इंडस्ट्री में कितना ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, मैं पहले अपने इंडस्ट्री में ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न आया था, तो काफी सारे बंदों के पास ग्रीन क्रिमिनल तो होगा ही होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे बंदों के पास होगा, लेकिन मैं क्रिमिनल इनक्यूबेटर का एक भी बंडल यहाँ पे किसी भी बंदे के पास नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम, मतलब गिने चुने ही बंदों के पास अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर का बंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिन भी बंदों के पास क्रिमिनल बंडल नहीं है वो तो यहाँ पे चाहते ही चाहते हैं मैं अपने कैसे भी करके ग्रीन क्रिमिनल की तरह अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर भी रिटर्न आ जाए। मैं खुद चाहता हूँ कि अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर भी रिटर्न आ जाए। काफी सारे ऑडियंस है जो यहाँ पे क्रिमिनल इनक्यूबेटर को सपोर्ट करती है, चाहती है अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न आए, तो कहते हो यहाँ पे फाइनल लिख निकल के आ चुके, जिससे आप लोग अपने सिम के ऊपर देख सकते हो क्रिमिनल इनक्यूबेटर काफी सारे, मतलब इंडिया में नहीं आप लोगों को काफी सारे बाहर के समय रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अपना ब्राजील सर्वर हो गया, वियतनाम सर्वर हो गया, लतम सर्वर हो गया, और भी काफी सारे बाहर के सर्वर हैं जहाँ पे क्रिमिनल इनक्यूबेटर 101% आने का कंफर्म हो गया। यहाँ पे मेन तो अपना इंडिया सर्वर, यहाँ पे अपने इंडिया सर्वर की बात करें ना, तो देखो मैं आप लोगों को सच बात बताऊँ ना, तो देखो यहाँ पे अपने इंडिया सर्वर के लिए ओनली 20% कंफर्म है कि आप लोगों को क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिल सकता है, बाकी सारे सर्वर्स के लिए यहाँ पे करीब यहाँ पे 80-90-100% कंफर्म है, लेकिन अपने इंडिया सर्वर की बात करें तो सच तो यही है अपने इंडिया सर्वर के लिए ओनली यहाँ पे 20% अभी फिलहाल कंफर्म है कि अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर देखने को मिल सकता है। मे बी आप लोगों को फ्री फायर के 5th एनिवर्सरी के दौरान अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल सके, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को उस टाइम पे फ्री फायर के 5th एनिवर्सरी के दौरान है ना आप लोगों को वोटिंग करने के लिए दिया जाए कि आप लोगों को क्रिमिनल इनक्यूबेटर को वोट करना है, फिर और भी काफी सारे इनक्यूबेटर आप लोगों को दिया जाएगा। मेरे ख्याल से वोटिंग वाला सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, तो इस वोटिंग वाले सिस्टम में आप लोगों को पता है वोट करना रहता है, जिस इनक्यूबेटर की वोटिंग सबसे ज्यादा वो आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल जाएगा, तो उसमें अगर अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर होगा तो काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट दे दिया कि ओनली 20% ही कन्फर्म है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में ये वाला इनक्यूबेटर आने का बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है, बाकी सारे सर्वर्स के लिए यहाँ पे ठीक ही ठाक पॉसिबिलिटी है, बट मैं इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी इसका रिटर्न आने के, अगर इसको रिटर्न आना हो तो आ ही जाएगा। बाकी यहाँ पे आगे और कुछ भी कंफर्मेशन अपडेट एंड न्यूज वगैरह थोड़ा सा भी अपडेट होता है अपने इस वाला इनक्यूबेटर को लेकर, तो मैं आप सभी को जरूर अपडेट कर दूंगा। वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये वाला इमोट तो देखा ही देखा होगा एंड ये वाला इमोट देख के भाई आप लोगों को कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा मेरे ख्याल से, एंड ये वाला इमोट आप लोग अपने फ्री फायर में जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां से आप लोग इजीली निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं, आप लोग काफी सारे डायमंड्स निकालने होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पे आप लोगों को अप्रोक्स 1000 डायमंड तो लगेगा इस वाले इमोट
मोड को निकालने के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग अपना ये वाला मोड फीडेबल इवेंट में देखने को मिल सकता है एंड या फिर आप लोग को वेब इवेंट में देखने को मिल सकता है। टॉप इवेंट में आने के तो मेरे को बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहा है। जहां तक है कि आप लोग को फीडेबल इवेंट देखने को मिल सकता है या फिर अपने वेब इवेंट में देखने को मिल सकता है एंड ये जो इमोट है ना एक न्यू कोलैबोरेशन पे बेस्ड है जो कि आप लोग को OB34 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। 34 अपडेट के बाद अपने फ्री फायर के अनीता के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। उसी कोलैबोरेशन के दौरान भी आप लोग को ये वाला इमोट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपना ये वाला इमोट निकालना चाहोगे एंड आप लोग अपना ये वाला इमोट कैसा लगा कमेंट करके बताना मेरे भाई जरूर। यहाँ पे अपने भूया डे लीजेंड बंडल के काफी ज्यादा डिमांड है। काफी सारे बंदे के पास भूया डे लीजेंड बंडल नहीं है। काफी सारे बंदे चाहते हैं अपने भूया डे लीजेंड बंडल एक बार और रिटर्न आ जाए ताकि हम लोग इसको निकाल पाए। जैसे कि कुछ टाइम पहले अपने इंडस्ट्री में कोबरा बंडल रिटर्न आया था जैसे कि आप लोगों को याद होगा ही होगा एंड कोबरा बंडल मतलब एक बार अपने गेम में आया फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद एक बार रिटर्न भी आया था। ठीक है तो उसी तरीके से अपना ये जो भूया बंडल है ना ये भी आप लोग को एक बार जरूर से रिटर्न देखने को मिलेगा। एक बार तो अपने इंडस्ट्री में आया फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम जब आएगा तो वह रिटर्न आएगा ही आएगा ये मैं आप लोग को अभी से गारंटी करके रख रहा हूँ। एंड काफी सारे बार के समय में अपना भूया लीजेंडरी बंडल रिटर्न आ रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोकन टावर इवेंट में काफी सारे सर्वर्स में आ रहा है अपने ब्राजील सर्वर की है। एंड कुछ टाइम पहले ऐसा लिक्स निकल के आ रहा था कि अपने इंडस्ट्री में जल्दी अपना भूया लीजेंडरी आउटफिट आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग ये वाला बैनर देख सकते हो एंड इस वाले बैनर में कमिंग सून लिखा गया मतलब रिटर्न आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्री फायर के साथ यहाँ पे कुछ बैन वगैरह एंड कुछ मतलब अपडेट वगैरह का लेकर सीन चल रहा है तो उस वजह से हो सकता है अभी तक रिटर्न नहीं आया एंड आप लोग को हो सकता है आप लोगों को कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। मेरे ख्याल से आप लोगों को 2-3 मंथ में आप लोगों को अपना ये वाला बंडल देखने को मिल ही जाने वाला रिटर्न। ठीक है तो बस आप लोग अप्रोक्स यहाँ पे 2-3 मंथ तक तो वेट करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो बस मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पे सिंपली वेट कर लो क्योंकि आप लोग पास यहाँ पे कोई भी और ऑप्शन नहीं है। 2-3 मंथ तक आप लोग वेट कर लो यहाँ पे आगे और कुछ भी कंफर्मेशन अपडेट होता है तो बस मैं आप सभी को जोर से अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी मेरे पास इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन न्यूज एंड अपडेट नहीं है तो बस मैं आप लोगों से कुछ भी झूठ एंड कोई भी मतलब ऐसा ही मतलब कोई भी अपडेट नहीं दूंगा। जब यहाँ पे कंफर्म होगा तो ही गाइस मैं आप सभी को कंफर्मेशन न्यूज़ दूंगा। ठीक है यहाँ पे अपने जुलाई मंथ का एलाइट पास का यहाँ पे ट्रेलर मेरे हाथ लग चुका है। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूंगा अपने जुलाई मंथ का एलाइट पास का ट्रेलर जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा फाड़ू ट्रेलर लग रहा है एंड गाइस मेरे ख्याल से अपना जुलाई मंथ का जो एलाइट पास होने वाला है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे कि अभी आप लोग को फिलहाल तो घटिया सारा एलाइट पास देखने को मिल रहा है लेकिन गाइस यहाँ पे जुलाई मंथ का जो एलाइट पास होगा ना मेरे ख्याल से काफी अच्छा एलाइट पास होने वाला है क्योंकि आप लोग इस ट्रेलर में जो देख रहे हो दोनों बंडल्स भी मेरे ख्याल से काफी अच्छे लग रहे हैं तो गाइस मेरे ख्याल से अपना जो एलाइट पास होगा जुलाई मंथ का वो काफी अच्छा होने वाला है काफी बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे जुलाई मंथ के एलर्ट पास को लेके इसका फुल रिव्यू जैसे निकल के आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जरूर अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे काफी सारे मतलब मैक्सिमम ऑडियंस का डिमांड रहता है M1040 इनक्यूबेटर के रिटर्न को लेकर काफी सारे ऑडियंस चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि अपने M1040 इनक्यूबेटर रिटर्न आ जाए लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं आ रहा है इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन न्यूज एंड अपडेट निकल के नहीं आ रही है तो इसमें हम लोग की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है एंड जैसे कि मैं आप लोगों को अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ अभी कुछ टाइम पहले अपने इंडस्ट्री के लिए लीक्स निकल के आ रहा था कि अपने इंडस्ट्री में जल्दी अपना UMP का इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को इससे प्रीवियस बारे में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि अपना UMP का इनक्यूबेटर कब रिटर्न आएगा भी आपने कौन सी डेट को आएगा इससे पॉसिबल डेट वगैरह क्या है तो कि आप लोगों को अगर ये जानना है कि अपना नेक्स्ट रिटर्न इनक्यूबेटर कौन सा होने वाला है इंडस्ट्री के लिए तो कि आप लोगों को क्या करना है इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर से देख लेना। आप लोगों को आईबटन में मिल गई वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है बात करें अपने M1040 इनक्यूबेटर के रिटर्न को लेकर तो देखो अभी यहाँ पे फिलहाल तो कंफर्मेशन न्यूज निकल के नहीं आ रही लेकिन गाइस मैं आप लोगों को अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बता देता हूँ तो कैसे देखो अपना जो OB34 अपडेट आएगा ना अगर OB34 अपडेट के बाद अपना रैम्पेज इवेंट आ जाता है रैम्पेज 4.0 इवेंट आ जाता है तो उसी दौरान आप लोग ऑडियंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे अपडेट तो निकल के आए हैं एंड काफी सारे बार के समय इनक्यूबेटर्स भी रिटर्न आ रहा है जैसे कि आप लोग बैनर वगैरह देख लो उन लोगों यहाँ पे वोटिंग करने के लिए दिया जाए काफी सारे बार के समय रिटर्न आ रहा है इनक्यूबेटर्स वगैरह एंड से भी आने वाला है यहाँ पे जून मंथ में आने वाला है। मैं आप लोगों को जैसा कि पहले भी अपडेट दिया हूँ अच्छे तरीके से कि जून मंथ में अपना कोई एक इनक्यूबेटर रिटर्न को मिलने वाला है कौन सा इनक्यूबेटर आने वाला है अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है लेकिन अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर अपना रैम्पेज 4.0 इवेंट आ जाता है तो बस अपना रैम्पेज इवेंट का मतलब उसी दौरान आप लोगों को ये रैम्पेज का M1040 का भी इनक्यूबेटर रिटर्न मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे आप लोगों को कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से आप लोग 15-20 दिन और वेट करना पड़ेगा 15-20 दिन बाद अपना जून महीना आ जाएगा तो बस यहाँ पे जून महीने में अपना रैम्पेज 4.0 इवेंट अगर आ जाता है तो उसी बीच आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अपना M1040 इनक्यूबेटर का और लेके यहाँ पे और कुछ भी अपडेट वगैरह होता है कुछ भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह एंड कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आप सबको जोर से अपडेट कर दूँ। बाकी दोस्तों काफी ज्यादा टाइम हो चुका है बारी आ गया टू नाइट व्हील अपडेट देने की क्या 12 बजे के बाद आप सभी को अपने फ्री फायर में कौन सा इवेंट या फिर कौन सा अपडेट देखने को मिलेगा तो कैसे आज 12 बजे के बाद सबसे पहले तो अपना जो VC इवेंट चल रहा है जो कि यहाँ पे FFW इवेंट चल रहा है ना ये तो आज 12 बजे के बाद खत्म होने वाला है मतलब आज इसका लास्ट डेट है। आज 12 बजे के बाद अपना ये वाला इवेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और तो वैसे कल यहाँ पे अपना क्या आने वाला है कल यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला है मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी कन्फर्मेशन अपडेट एंड न्यूज वगैरह नहीं है एंड कल अपना ना तो यहाँ पे FFW इवेंट का कोई पार्ट आने वाला है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला मेरे ख्याल से कल बस अपना ये जो VC इवेंट चल रही है आज 12 बजे के बाद चला जाएगा बस इतना ही अपडेट है। जैसे यहाँ पे रात तक कोई भी टू नाइट अपडेट वगैरह कन्फर्म होता है तो मैं
कॉमेडी टैब में हर बार की तरह डाल लूंगा, ठीक है। तो बस आप लोग बटन से फोन लेने की कोई भी जरूरत है, जैसे ही आप टुनाइट अपडेट रात तक कंफर्म होता है तो मैं कॉमेडी टैब में डाल दूंगा। बाकी आप सभी को आज की अपडेट वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करके रखना। मैं तो किसी और नए मजेदार वीडियो का सब तक लेकर एंटी।